तो बेटा मैंने कल कूलम फ्लॉ की बोनी करा दी थी, एक बार फटाफट देखते हैं। कूलम फ्लॉ जो मेरी आदत है, ये रहे 2 पॉइंट चार्ज, शर्तें थी, शर्तें नहीं बता रहा, रिवाइज पढ़ लेना। पॉइंट चार्ज होने चाहिए, रेस्ट पे होने चाहिए, और डिस्टेंस न्यूक्लियस की डायमेंशन से बाहर होनी चाहिए, 10^-14 से ज्यादा। यदि ये दो चार्ज है, ठीक है, ये रहे दो चार्ज, फटाफट पूरा करते। ये रहा Q1 चार्ज और ये रहा Q2 चार्ज, इनके बीच की डिस्टेंस आर। तो कूलम्स ने यहां तक बता दिया था कि इनके बीच की जो फोर्स होगी वो Q1 Q2 के मैग्नेट प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगी, और एक उनके डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ये होगी। इसको स्पेशली इस लाइन को इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं। इन दोनों लाइनों को कनेक्ट कर दिया तो हमारा ये आ गया था Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फिर मैंने प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया था तो K आया था, है ना, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया था तो K आ गया था। K के बारे में डिस्कशन हो चुका था ना, K का क्या नाम था, K मीडियम डिपेंडेंट कांस्टेंट। ये मीडियम पर डिपेंड करता है, इसकी वैल्यू यूनिवर्सल नहीं है, मीडियम डिपेंडेंट कांस्टेंट। इसकी यूनिट डायमेंशन सब निकलवा दी थी वो। अब रिवीजन का मतलब ये थोड़ी नहीं कि कल वाली चीजों को दोबारा बताया जाए सब चीज, तो ये भी बता दिया था इसकी यूनिट क्या, इसकी डायमेंशन क्या। फिर एक चीज और मैंने ये भी बताया था कि यानी इस लाइन का मतलब ये है कि हर मीडियम के लिए अलग अलग होगा, हर मीडियम के लिए अलग 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 होगा, ठीक है। तो जैसे डेंसिटी हर, अच्छा वैसे भी ठीक है, जैसे एक मिनट वो बाद में बताऊंगा, डेंसिटी हर मटेरियल के लिए अलग अलग है, ये भी के हर मटेरियल के लिए अलग अलग है। तो हर मीडियम के लिए के नहीं याद कर सकते, फिर भी हमने फॉर एयर, वैक्यूम और एक और शब्द क्या था, फ्री स्पेस, इसके लिए के की वैल्यू याद कर लो। वैसे तो हर मीडियम के लिए अलग अलग होगी, किस किस का याद करोगे, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में एयर एक स्टैंडर्ड मीडियम होता है, आप एयर के लिए तो याद कर ही सकते हो, एयर के लिए, वैक्यूम के लिए, फ्री स्पेस के लिए 9×10^9। और यूनिट क्या निकली थी, देख मैं भी भूल जाता हूं तो, लेकिन मैं बना लेता हूं, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ये के की यूनिट थी। अब आगे बढ़ू, फिर मैंने कल एक राज की बात खोली कि इन द बिगनिंग में यहां से ये पढ़ाता हूं, यहां से ये स्टेप। फिर एक राज की बात खोली थी कि सच्चाई ये है कि प्रोपोर्शनलिटी साइन उठ के समझाने के लिए बोल देते हैं, लेकिन जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं यहां पर तो एक नहीं, दो नहीं, तीन कॉन्स्टेंट आते हैं, तीन कॉन्स्टेंट इस प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के बाद, 1/4 पाई एप्सिलॉन ये हुआ था। इस पूरे को के लिख दिया गया है और कुछ नहीं है बस। और वैसे भी इतने कंजड़े तो नहीं होगे कि कॉन्स्टेंट इक्वल टू अनदर कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट 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 अनदर कॉन्स्टेंट। आगे समझ में ना ये चीज, चलिए अब आ जाओ इसी बात को अब आगे बढ़ाते हैं, यानी अब मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं वो कल से आगे होगा। यानी एक्चुअली क्या होता है, दैट इज ये जो के है ये एक्चुअली ये कलेस होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन। इसका नाम भी बताया था, इसका नाम क्या बताया था, एप्सिलॉन का इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, ये है असलियत में। इसी क्योंकि देखो असली कॉन्सेप्ट ये है, इसलिए के का कोई नाम नहीं है, नाम इसका है भाई। जनरली जो कॉन्सेप्ट आता है तो उसका नाम पूछते हैं मुझसे, तो के का कोई नाम ही नहीं है, सच्चाई है। जैसे वी प्रोपोर्शनल टू आई आता है तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के जो आता है उसका नाम तो है कुछ, क्या नाम है इसका, इसका नाम है रेजिस्टेंस। तो फिर इसका क्यों नहीं है नाम, इसका कोई नाम ही नहीं है, ये तो काम चलाऊ के लिए आपसे बोल दिया, अच्छा ऐसे पढ़ लो इसको। इसका नाम है, देखो ये 4 और π तो यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट है, एप्सिलॉन क्या था, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम, जो भी मीडियम एक्शन में होगा, जो भी मीडियम में चार्जेस होंगे। अच्छा एक और चीज, फिजिक्स में जहां लास्ट में ITY आता है, इति इति इति, जिस फिजिकल क्वांटिटी में इति वर्ड आता है वो फिजिकल क्वांटिटी भगवान ने सबको अलग अलग दे रखी है। जैसे डेंसिटी सबकी अलग अलग, डेंसिटी सबकी अलग अलग होती ही नहीं होती, डेंसिटी, विस्कोसिटी, इलास्टिसिटी, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, ये वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो भगवान ने सबको अलग अलग दी है। जैसे सबका DNA अलग अलग होता है, वैसे ही सबकी इटी इटी अलग होती है, उन्हीं इटी में से एक क्या चीज है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और उसके बाद मैंने एक और बात बताई थी, एक राजा वाली बात, राजा को मुकुट पहना दो
एक पहचान बना दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ, किसकी बात चल रही है बोलो, टाइप करके बताओ। यदि मैं एप्सिलॉन पे नॉट लिख दूं तो ये भी परमिटिविटी है, सब कुछ वही है, लेकिन इस बार ये किस बात की हिंट होती है, किस मीडियम की बात चल रही है, एयर की बात। एयर बोलिए, फ्री स्पेस बोलिए, वैक्यूम बोलिए। चलिए आगे, एक्चुअली सॉरी मुझे लगा भाई यहाँ इसके बाद है आगे, अब जो भी है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, ठीक। ये है वो बत्तमीज जो चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से ये के चेंज हो जाएगा। अब मुझे बताइए, अब एक नोट देखेंगे छोटा छोटा। मुझे नहीं लगता कि एप्सिलॉन की यूनिट और डायमेंशन आपको इश्यू लाएंगी, बोलो क्या लगता है, एप्सिलॉन की यूनिट में प्रॉब्लम आएगी? नहीं आनी चाहिए, क्योंकि फोर और पाई की कोई यूनिट नहीं, तो इसका मतलब एप्सिलॉन की यूनिट एग्जैक्टली के उल्टा होगी। फोर और पाई की कोई डायमेंशन भी नहीं, तो एप्सिलॉन की डायमेंशन एग्जैक्टली के उल्टा होगी। चलो यूनिट डायमेंशन का रिजोल्व हुआ। दूसरा एक और चीज मुझे बताना, क्या ये मैंने सही लिखा है कि के की वैल्यू इतनी होती है? बताना ये मैंने सही लिखा है क्या, के की वैल्यू इतनी होती है? जल्दी टाइप करके बताओ, क्या ये मैंने सही लिखा है? नहीं लिखा सही है, बिल्कुल ठीक। क्या गलती है इसमें? गलती ये है क्योंकि के की वैल्यू हर बार थोड़ी नहीं होगी। अब इसे सही कर देता हूं, अब सही हो गई है। हाँ अब सही हो गई, क्योंकि सर एयर के लिए ये वैल्यू है, एयर के लिए, ठीक है। अब सुनो अगली लाइन, एयर के लिए के की ये वैल्यू है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है ये? सोच के देखो, यदि मैं ये लिख रहा हूं एयर के लिए के की वैल्यू इतनी है, तो क्या ये लिख सकता हूं कि ये 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है? हाँ लिख सकता हूं। फिर यहां एयर लिखने की जरूरत है क्या? यहां एयर लिखने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि इशारे तेरे इशारे हो रहे हैं ना यहाँ पे, यानी यहां जो शब्द लिखते थे फॉर एयर, वो यहां पे ट्रिम करके ऐसे लिख दिया है, ये इशारा है। आगे समझ में? तो इससे क्या बेनिफिट हुआ? इससे ये बेनिफिट हुआ कि के की वैल्यू थोड़ी इजी है, याद हो जाती है, याद हो सकता है आपको एप्सिलॉन नॉट की भी करनी पड़े, तो यहां से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या बन गई बताओ? ये हो गई 1/4 pi 9 × 10⁻¹⁹। तो ज्यादा टेंशन मत लेना, कैलकुलेट करने की कोशिश मत करना, ये वैल्यू एग्जाम में वैसे मिलती है, ये वाली वैल्यू 8.85 × 10⁻¹⁹। शायद मैं थोड़ा कंफ्यूज, 11 होगी या 12 होगी, ठीक है। चलो उसे पावर पे रहने देना, और यूनिट में बता ही चुका हूं। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको याद करने का कोई टेंशन नहीं है, -12 देवेश कह रहा है तो मैं मान लेता हूं, दिमाग से स्लिप हो रही है मेरे, 8.85 × 10⁻¹⁹ न्यूटन -1 मीटर -2 कूलम स्क्वायर, यूनिट जस्ट पलट दे। तो समझ में आ गया, ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एयर। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट नोट बताइए, ये मैंने क्या लिखा, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम, क्या लिखा मैंने, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और ये क्या लिखा मैंने, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एयर। ये परमिटिविटी किसी भी मीडियम की है, ये परमिटिविटी एग्जैक्टली एयर की है। तो जब हम किसी मीडियम की परमिटिविटी को एयर की परमिटिविटी से कंपेयर करते हैं, नीचे डिवाइड मार दिया मैंने, रेशियो बना दिया, तो इस रेशियो को, ये क्या रेशियो हो गया, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एयर, इस रेशियो को रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी बोलते हैं, रिलेटिव, आर वर्ड डाल दिया मैंने, आर, ये जो आर वर्ड डाला है वो ये बता रहा है कि ये रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है, ये रिलेटिव इलेक्ट्रिकल, ठीक है। अच्छा इससे मिलता जुलता आपने 11 में पढ़ा था रिलेटिव डेंसिटी, पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, लेकिन था टॉपिक, मैं आपकी नहीं कह रहा हूं, पर टॉपिक तो ये है, रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ मटेरियल टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। बस वह अंतर ये था कि हाइड्रोस्टैटिक या हाइड्रोडायनेमिक्स में, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में एयर एक स्टैंडर्ड मीडियम है, हाइड्रोडायनेमिक्स में वाटर एक स्टैंडर्ड मीडियम था, वहां वाटर से कंपेयर की जाती थी चीजें। समझ में आ गया, जब किसी की डेंसिटी वाटर से कंपेयर करते थे तो उसे रिलेटिव डेंसिटी बोलते थे, यहां किसी की परमिटिविटी को यदि एयर से कंपेयर करेंगे तो उसे रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी पुकारेंगे। क्या नाम है इसका, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, ठीक है। फिर एक और चीज, इसी रेशियो को हम एक और नाम से जानते हैं, एक और सिंबल और एक और नाम, चीज ये भाई है
चीज वही है ये, इसको हम इस रेशियो को के से भी बोल सकते हैं, पर इस के में ये वाला जो के यहां फ्लैश हो रहा है ये वाला, इस के को इस के से मैच मत करना, नो डाउट कंफ्यूजन होना लाजमी है, क्योंकि ये भी के है ये भी के है, लेकिन बेटा कब तक कंफ्यूज हो गए, फिजिक्स में तो सिंबल रिपीट होते रहते हैं, जैसे मैंने लिखा पी, तो पी पावर के लिए भी यूज होने वाली फिजिकल क्वांटिटी है, मोमेंटम के लिए भी यूज होने वाली, प्रेशर के लिए भी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पी अब हमेशा जिंदगी भर प्रेशर ही रहेगा या पावर ही रहेगा, नो डाउट मैं मानता हूं कि ये भी के आ गया और ये भी के है, पर इन दोनों में अंतर है, सबसे बड़ा अंतर तो ये, इस के की ना कोई यूनिट होगी ना कोई डायमेंशन होगी, सोच के देखो एक सबसे बड़ा अंतर कि ये के इस के से क्यों नहीं मैच करना, इस के पास ये कह रहा है घमंड कि मेरे पास पैसा है बिल्डिंग है ना, मेरे पास यूनिट है डायमेंशन है, तेरे पास क्या है, मेरे पास वो भी नहीं है, समझ में आ गया, यानी इस के पास आप रेखिए देखो ये भी परमिटिविटी ये भी परमिटिविटी दोनों की यूनिट डायमेंशन एक सी, तो ये तो डायमेंशन लेस हो गया ना, हाँ लेकिन इस के का एक नाम है, तो ये क्या बोल रहा था, आज मेरे पास यूनिट है डायमेंशन है तेरे पास क्या है, तो इसने कहा मेरे पास नाम है, मेरे पास नाम है, यदि आप इसको यूज करते हो तो इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, तो कुछ घमंड करने की चीजें इसके पास भी है, ये कह रहा है तेरे नाम क्या है, तेरा तो कोई नाम भी नहीं है, मेरा है नाम डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, अभी के लिए आप बस इतना समझो कि एक्चुअली देखो फिजिक्स के शब्द है तो नए नए शब्द आ रहे हैं, पहले कल आपके लिए ये शब्द नया आया परमिटिविटी, पहली तो इसी कल इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी परमिटिविटी, धीमे धीमे सीख जाओगे आप बस इतना अभी थोड़ा और कोशिश करूंगा इस शब्द को दिमाग में डालने की आज, ठीक है, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट थोड़ा डालता हूं पहले, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जनरली इंसुलेटर को हम फिजिक्स में डायलेक्ट्रिक भी बोल देते हैं, जब हम इंसुलेटर की इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ते हैं, क्या बोला मैंने, अच्छा मैं एक और चीज बताता हूं इस यूनिट के बारे में, हमारी यूनिट का नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसके खत्म होते ही क्या चालू हो जाएगी, इलेक्ट्रो डायनेमिक, तो बेटा इलेक्ट्रो डायनेमिक में हम इंसुलेटर को साइड में कर देंगे, यानी इलेक्ट्रो डायनेमिक में हम इंसुलेटर को देखेंगे भी नहीं, क्या पढ़ना है उनको इंसुलेटर के बारे में, लेकिन सुनिए हमको क्या लगता है, मैं बताऊं कंफ्यूजन क्या, कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई बात हो तो तुरंत तुम्हारी आंखें चमकती है कंडक्टरों पर केवल, कि सर कंडक्टर की बात करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टरों के लिए भी पढ़ी जाती है और इंसुलेटर के लिए भी पढ़ी जाती है, देखिए माना इंसुलेटर की डेफिनेशन ये है कि इंसुलेटर आर दोज मटेरियल व्हिच डू नॉट अलाउ द पासेस ऑफ करंट, मान लिया कि इंसुलेटर की डेफिनेशन ये है कि दीज आर दोज मटेरियल व्हिच डू नॉट अलाउ द करंट, लेकिन आप थोड़ी बुद्धि लगाओ इस यूनिट में हम कौन सा फ्लो कराने वाले हैं, हम इस यूनिट में कौन सा करंट का फ्लो कराने वाले हैं, मेरी बात समझ रहे हो ना, माना इंसुलेटर की डेफिनेशन ये है, इंसुलेटर की खूबी ये है या जो भी है लिमिटेशन ये है कि वो करंट को अलाउ नहीं करते, तो कौन सा हम करंट पढ़ रहे हैं, हम तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं ना, चार्ज एट रेस्ट, तो बेटा रेस्ट पे चार्ज को रेस्ट पे रखने के लिए कंडक्टर भी और इंसुलेटर दोनों में बराबर मादा होता है, मतलब चार्ज को होल्ड करने की, होल्ड माने रोकने की, चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी तो दोनों में होती है, दोनों में कौन, कंडक्टर में भी और इंसुलेटर में भी, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आप स्केल को बालों से रगड़ते हो ना, स्केल या कॉम्ब को, कॉम्ब कौन सी बॉडी होती है, प्लास्टिक बॉडी होती है, प्लास्टिक बॉडी को स्विच में डाल देना, ये जो स्विच होता है ना जिसमें प्लग लगाते हो आप कूलर का, प्लास्टिक को इसमें घुसा देना करंट नहीं मारेगा आपको, लेकिन आप बताइए आप स्केल को बालों से रगड़ते हो है ना, उसके जो कि इंसुलेटिव बॉडी है उसके अंदर भी चार्ज को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी आ गई या नहीं आ गई, पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करने की, पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करने की, तो इस ये एग्जांपल आपके दिमाग में ये डाल रहा है, अच्छा इंसुलेटर भी पढ़ेंगे, जी हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक दोनों के लिए वैलिड है, इसके दरवाजे दोनों के लिए खुले हैं, आओ आओ हम तुम्हें पढ़ेंगे, जब हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो बात लगे इंसुलेटर को साइड में रख देंगे, हटा सामान की हटा, तू किसी काम का तो है नहीं, करंट तो तुम्हें फ्लो होगी नहीं, तो चलिए, तो डायलेक्ट्रिक इज जस्ट अनदर नेम फॉर इंसुलेटर व्हेन वी यूज इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, तो चलिए यदि आप इस रेशियो के लिए ये सिंबल यूज कर रहे हो तो आप इसे बोलोगे रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, और इसी रेशियो को डिफाइन करने के लिए ये यूज कर रहे हो तो आप वर्ड यूज करोगे डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, दोनों की डेफिनेशन यही है, इट इज द, चाहे ये डेफिनेशन देनी हो चलिए, लेकिन जनरली डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की डेफिनेशन पूछते हैं, तो पहला क्वेश्चन है
क्वेश्चन वन, क्वेश्चन है डिफाइन डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डिफाइन डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इतने तो बेटा कंजड़े भी स्मार्ट होते हैं, इतने तो कंजड़े भी स्मार्ट होते हैं। डेफिनेशन देखिए क्या आंसर, आप पहले ये रेशियो सामने रख दो, है ना, यही तो है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डेफिनेशन है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ, अच्छा क्योंकि ये हर मीडियम का अलग अलग होगा ना, तो ये रेशियो भी हर मीडियम का अलग अलग आएगा कि नहीं, तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट हर मीडियम का अलग अलग होगा, ध्यान रखना। तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एयर, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एयर। हो गई एक नंबर की डेफिनेशन। अब इसी को दो नंबर की डेफिनेशन कैसे बना देते हैं वो भी सुनिए, इसी को दो नंबर की डेफिनेशन कैसे पूछ लेते हैं, और वो इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने सब कुछ मिटा दिया घर का, लेकिन अभी एक फॉर्मूला अभी भी चमक रहा है ना, क्योंकि इसकी जरूरत लूंगा मैं। अब क्वेश्चन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, वो ये डिफाइन डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, डिफाइन डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, वही क्वेश्चन लेकिन साफ है, इन टर्म्स ऑफ फोर्स, इन टर्म्स ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, इन टर्म्स ऑफ फोर्स बिटवीन, वो क्वेश्चन पूरा नोट्स में लिख रहा है सारी बातें, इन टर्म्स ऑफ फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, इन टर्म्स ऑफ फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो चुका है उसके कंपेरिजन में, वो सिर्फ ये था डिफाइंड डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट फ्री इट्टी, जो मन में है वो डेफिनेशन दे दो, मतलब मन में ये नहीं, मतलब जो आपको लग रहा है अच्छा है। अब क्या डेफिनेशन, आपको एक क्वेश्चन पूछ लिया डिफाइन डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, आपको डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट डिफाइन तो करना है लेकिन इन टर्म्स ऑफ फोर्स, क्या कहना चाह रहा है, तो शायद आंसर तो समझ में आ जाएगा। देखिए ये रहे दो चार्ज, सुनेंगे ये रहे दो पॉइंट चार्ज, एक चार्ज है क्यू वन और एक चार्ज है क्यू टू, उनके बीच की डिस्टेंस आर, बताइए इनके बीच की फोर्स के ना लिख के ये लिख दो, यही तो होती है वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, यानी ये दो पॉइंट चार्जों की फोर्स है, लेकिन कब, जब इनके बीच में कोई मीडियम होगा, और यदि यानी इन अदर मीडियम, या अच्छा यदि ये एयर में हुआ है तो इन एयर, चलो यदि ये दो चार्ज एयर में रख दिए तो यहां आपको पता है फिर एप्सिलॉन की जगह क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट आएगा, मानते हो इस बात को कि या एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट आएगा, यदि ये कंफर्म कर दिया जाए कि ये एयर है, और यदि यही दो चार्ज एज इट इज मतलब वही डिस्टेंस वही चार्जेस, एज इट इज छेड़छाड़ नहीं करनी, दो चार्ज उठा के किसी मीडियम में डाल दिए, सपोज करो पानी में डाल दिए, इन अदर मीडियम, इन अदर मीडियम, तो बताइए इस फोर्स का फॉर्मूला किस तरीके से यूज करना पड़ेगा मुझे, वही Q1 है वही Q2 है वही R स्क्वायर है वही 4 है वही पाई है, अच्छा क्या 4 और पाई में चेंज आ जाएगा, नहीं चेंज आएगा इसमें, सिर्फ इसमें चेंज आएगा यदि वही चार्जेस है तो। होप कि आपको यहां तक ये बात समझ में आई, बोलो ये बात समझ में आ गई कि यदि इनके बीच में ये बोला जा रहा है एयर है तो फॉर्मूला ऐसे लगेगा, और यदि ये बोल दिया कि इनके बीच में कोई और मीडियम है तो फॉर्मूले में सिर्फ यहां अंतर आएगा, और क्योंकि इसमें अंतर आ गया तो ये आंसर भी अलग अलग आएंगे, तो या तो इसे नाम F1 और F2 दे दो या F F डैश दे दो, क्योंकि ये F अब एक से नहीं आएंगे, या फिर जनरली जो फेमस सिंबल है वो ये है, इसमें F नोट लगा दो, इसमें भी F नोट लगा दो, हो गया अंतर, बोलो F नोट, जब नोट इस बात का इशारा है कि एयर को हिंट देता है ये, तो ये क्या है F नोट, फिर इसमें F डैश लगाने की जरूरत नहीं रहती। हाँ कुछ बुक्स में इसके लिए एक सिंबल और यूज कर लेते हैं एफ एम, एम फॉर मीडियम, बोलो यहां तक समझ में आ गया या नहीं आ गया, क्योंकि फिर इसके बाद की कहानी तो इजी है, जल्दी बोलो यहां तक समझ में आया, दो चार बच्चे भी हाँ 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 बोल देंगे तो मैनेज हो जाएगा। ओके ठीक, डिफरेंट मीडियम के लिए भी, क्या बेटा जय क्या पूछ रहा है, अभी भी कोई क्वेश्चन है क्या जय, चलिए नीचे वाला ना फॉर्मूला, हाँ हाँ लिख तो रहे थे इन अदर मीडियम, फो
हाँ जो भी मीडियम होगा उसके हिसाब से वैल्यू होगी। हर मीडियम के, देखो हर मीडियम के लिए ये वैल्यू अलग अलग होगी ना। चलिए अब सुनो, जब दो चार्जों के बीच में एयर थी तो फॉर्मूला ऐसे यूज करना है, जब यही दो चार्ज किसी और मीडियम में ले गए, लेकिन ध्यान रखना सिर्फ मीडियम चेंज करना है, डिस्टेंस जैसी थी वैसी होनी चाहिए, चार्ज जो थे वही होने चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या था, भूल तो नहीं गए इतनी देर में, डिफाइन डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इन टर्म्स ऑफ फोर्स। तो अब मैंने क्या किया, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दी, करने की बोला। अब इसके पीछे मेरी अप्रोच समझ में आ जाएगी कि ऐसे दिमाग में सर के क्या खुजली हुई। मैंने बोला फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करो, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड किया तो एफ नॉट अपॉन एफ एम करिए, एफ नॉट को एफ एम कर डिवाइड करो, ये इसको इससे। तो आप बताइए क्यू वन क्यू अल मल टल कट जाएंगे, सोचो इसमें, क्योंकि ऊपर एफ नॉट है तो मैं इतना कर सकता हूं, ये और ये बचेगा। हालांकि कुछ स्मार्ट तो इसके आगे भी स्टेप सोच लिया होगा, लेकिन बेटा इसके अलावा तो सब कुछ कट जाएगा ना, इतना तो मुझे मतलब क्या कहते हैं उसको, इतना तो बेनिफिट दे सकते हो ना कि Q1 Q2 R square 4π ये कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्योंकि F नॉट ऊपर था तो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट ऐसे आएगा ये। अब इसको जब एडजस्ट करोगे तो F नॉट अपॉन Fn इसको ऊपर ले जाओगे, ऐसी जैसे ही ये ले जाओगे तुरंत दिमाग की घंटी बजेगी, टन ये तो देखा देखा सा लग रहा है, ओ यार ये कहीं देखा है, वो कहीं देखा है, अरे हाँ ये तो K है, ओ हाँ ये तो K है। तो इसका मतलब के की डेफिनेशन आप इस रेशियो से दे रहे थे, तो के की डेफिनेशन इस रेशियो से भी तो दे सकते हो, बस यही वो चाह रहा था। यानी सेपरेटली लिख देता हूं, एफ नॉट अपॉन एफ एम किसके बराबर आ गया, के हो गया। ये पूछा था उसने कि डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट डिफाइन तो करो लेकिन फोर्स के टर्म में, ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा और मेरी जुगाड़बाजी भी समझ में आ गई होगी, क्योंकि मुझे डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट समझाना था और डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट किसी मीडियम का होता है। अब देखिए मैंने क्यों बोला कि वही चार्ज होने चाहिए, वही डिस्टेंस होनी चाहिए, क्योंकि सोचो Q1 Q2 एक जैसे होंगे तभी तो कटेंगे, R और R एक जैसे, यदि अच्छा यहां डिस्टेंस कुछ और ले लूं, यहां डिस्टेंस कुछ और ले लूं, तो ये R डैश हो जाएगा, तो फिर कटेगा क्या, कटेगा ही नहीं है। हमारा उद्देश्य और अप्रोच यही थी कि केवल ये बचे। तो अब देखिए मेरी डेफिनेशन सुनेंगे एक बार, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इन टर्म्स ऑफ फोर्स, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इन टर्म्स ऑफ फोर्स कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, शुरू करो, रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस व्हेन देयर इज एयर या व्हेन दे आर कैप्ट इन एयर, टू द फोर्स बिटवीन टू सेम चार्जेस, सेम चार्ज होने चाहिए कैप्ट एट सेम डिस्टेंस अपार्ट, उतनी डिस्टेंस होनी चाहिए बट कैप्ट इन अनदर मीडियम, मतलब वही दो चार्ज वही डिस्टेंस किसी और मीडियम में ले जाएं। ठीक है, होगी डेफिनेशन ना। अच्छा ये जो मैंने आज के समझाया डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट या ये तो समझ में आ गया यूनिटलेस डायमेंशनलेस है। इनके बारे में एक बात और कि के की जो वैल्यू है या ये एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमेशा वन से बड़ी मिलेगी या बराबर, इसकी वैल्यू वन से बराबर या बड़ी, यानी ऐसी वैल्यू है जो वन से छोटी नहीं है, ये इस तरीके का कॉन्स्टेंट है, इसकी वैल्यू वन से छोटी है ही नहीं। इस दुनिया में सबसे छोटा जो परमिटिविटी है वो खुद वैक्यूम की है, एक्चुअली सबसे छोटी जो परमिटिविटी है ना वो वैक्यूम की है। तो याद रखना ये वैल्यू ऐसी है जो वन से हमेशा बड़ी या बराबर, और बड़ी कितनी हो सकती है, 2, 3, 4 हाँ हो सकती है, 50 हाँ हो सकती है, 50,000 हाँ हो सकती है, ये इंफिनिटी भी हो सकती है। मतलब आपके पास इस दुनिया में सबसे मिनिमम के कितना है बताओ, इस दुनिया में सबसे मिनिमम के क्या चीज, नहीं के ये के वो नहीं है, ये वाला के है, ये के इस दुनिया में सबसे कम यदि के किसी का है तो वो 1 है, और ज्यादा कितना हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है। और कुछ दिन रुक जाइए, मैं ये भी बता दूंगा कि के की मिनिमम वैल्यू 1 होती है और वो एयर के लिए होती है, फॉर एयर वैक्यूम फ्री स्पेस, वही ये वाले के की बात कर रहा हूं, ये वाले, और के की जो मैक्सिमम, हाँ मीडियम एयर, और के की मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट है और वो होती है मेटल के लिए, कंडक्टर के लिए।
इस दुनिया के जितने भी कंडक्टर मेटल है ना उनका के हम इनफाइनाइट बांधते हैं। इस समय किस के की बात कर रहा हूं मैं, इस वाले के की। आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए ब्रैकेट में एप्सिलॉन आर भी लिखा है। अच्छा इस के का और एप्सिलॉन आर है तो फिर ये के ही यही तो होगा, वो वाला तो हो ही नहीं सकता। हो फिलहाल के लिए ये चीज याद कर लीजिए, बाकी चीजें समझने की थी लेकिन ये वैल्यूज याद कर लीजिए, ये ठीक है। अब आपके बैकग्राउंड में बच्चे, हाँ 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 मेरे बैकग्राउंड में बच्चे पढ़ रहे हैं, वो यही कॉलोनी के बेटा, हाँ यही आसपास के। अच्छा कैसे पहचाना जय, कैसे एहसास हुआ जय, कैसे वहां तक बदबू आ रही है? नहीं वहां तक मतलब कोई, अच्छा आवाज आ रही थी, अच्छा सॉरी तो ऑटो करेक्ट, चलिए कोई नहीं, अच्छा अच्छा चलिए ठीक है बेटा। अब आ जाओ आगे बढ़ू बेटा मैं, तो मैंने आपसे कहा देखो इस दुनिया ब्रह्मांड में पता नहीं कितने मीडियम है, सबके लिए के नहीं याद हो सकता। के कौन सा वाला के, ये कौन सा बेटा, यहां आ सकते हो, यहां आ सकते हो, दो चार बच्चे जो यहाँ, मेरा घर है जो बहुत दूर पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा तुमको, डेली पेट्रोल फूक के आओगे यहाँ पे तो बहुत महंगा पड़ेगा बेटा आपको, डेली 50 रुपए की पेट्रोल फूक जाएगी, 50 नहीं तो 40 रुपए की तो फूक जाएगी मेरे घर तक आने में, अब लगा लो बेटा। और हाँ एक मिनट कंटिन्यू कर रहा हूं, वो कंटिन्यू ये कि आप इस दुनिया में हर डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट को नहीं याद कर सकते, आप एयर का डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट याद कर लीजिए, मेटल का याद कर लीजिए, वैल्यू भी ऐसी है जो याद हो जाएंगी, और हो सके तो वाटर का और याद कर लीजिए, वाटर का डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट फॉर वाटर, डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट फॉर वाटर 81। अच्छा कुछ बुक्स में 80 दे रखा है, उससे टेंशन मत लेना, ये हो जाता है, किसी में 80 किसी में 81, किसी में 80 किसी में 81। तो चलिए बेटा अब एक क्वेश्चन आता है, एक और क्वेश्चन फेंक के मार रहा हूं कि नोट्स बेटा यदि सामने खोल रखे होंगे आपने तो और अच्छा लगेगा, लेकिन ये सारी चीजें नोट्स में अटेंशन मत लो ठीक। मैं अभी भी जब पढ़ाने जाता हूँ ना, देखो मेरी हमेशा की आदत है, अब से नहीं, वो मेरी त्वचा से मेरी उम्र पता नहीं चलती, 2007 से मैंने अपना कैरियर नहीं, 14-15 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, जब भी पढ़ाने जाता हूं खुद पढ़ के जाता हूं, अभी भी तो मैं पढ़ाने आया हूं ना तो एक बार मैंने देखा है नोट्स में कि क्या क्या पढ़ाना है क्या क्या, ये मेरी आदत कभी नहीं जाती, जब 15 साल से नहीं की तो अब क्या जाएगी ये। तो हाँ शीट की हार्ड कॉपी निकलवा सकते हो बिल्कुल। अब सुनिए तो एक क्वेश्चन है मेरा, तो मैं इस बात से बताना क्या चाह रहा था, क्योंकि मैं नोट्स पढ़ के आता हूं तो मुझे पता रहता है कि ये टॉपिक नोट्स में है। हाँ नहीं कोई जरूरत नहीं, आप उतना पढ़ के आओ जो पढ़ा दिया है, उतना पढ़ के आओ जो मैंने पढ़ा दिया है वही काफी है, आगे तो बहुत दूर की बात है आपके लिए भी, हाँ वो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। क्वेश्चन ये है कि ये पानी है, पानी में ऐसी क्या विशेषता है कि जरा NaCl डालूं, NaCl ये रहा NaCl पानी में डाल दो तो इनका ब्रेकअप हो जाता है, दिल पे पत्थर रख के ब्रेकअप कर लिया, यानी आप पत्थर नहीं पानी रख के ब्रेकअप हो जाता है, NaCl जिनमें आपस में अच्छी खासी आयोनिक बॉन्डिंग थी Na+Cl- अंदर आते ही ब्रेकअप हो गया इनके बीच, और मतलब कोई भी ले लो, कॉपर सल्फेट ले लिया मैंने, कॉपर सल्फेट जो भी आयोनिक सॉल्यूशन है ठीक। अब बेटा यार इतनी हैवी केमिस्ट्री मत मार बेटा, इतनी नहीं आती मुझे केमिस्ट्री ठीक, सुन बेटा केमिस्ट्री में वैसे मेरा हाथ तंग है ठीक, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोल रहा है तो यार ये आयनिक बॉन्डिंग बोल के सिखाऊंगा तो ठीक। अब कॉपर सल्फेट, अगेन कॉपर सल्फेट को इस पानी में छिड़क दूं तो कॉपर आयन सल्फेट आयन के बीच में तलाक हो जाता है ठीक है, डिसोसिएट वर्ड यानी प्रॉपर वर्ड जो है ठीक है। नहीं मैं इसमें केमिस्ट्री वाला आंसर नहीं दूंगा, मैं तो फिजिक्स वाला दूंगा ठीक है। तो सुनिए क्वेश्चन मेरा यह है कि पानी में ऐसा क्या है कि वो आयनिक बॉन्डों का तलाक करवा देता है, उनके बीच में ब्रेकअप करवा देता है, यानी पानी एक वकील है जो तलाक का काम करवाता है, डायवोर्स वकील है। तो इसमें क्या खूबी है बताता हूं, खूबी इसकी, खूबी इसका डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है बेटा, मैं आंसर भी दे रहा हूं, पहले क्वेश्चन तो समझ में आ गया, क्वेश्चन ये है व्हाई द आयनिक सॉल्ट लाइक NaCl ZnSO4 CuSO4 गेट डिसोसिएट
into their constituent ions in the presence of water. पानी की प्रेजेंस से ये अपने अपने आयंस में क्यों डिसोसिएट हो जाते हैं? तो मैं आंसर भी देने में ही जा रहा हूं. हो सकता है बेटा कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं यूनिक क्वेश्चन, उनका आंसर हम कई अलग अलग थ्योरी से दे सकते हैं. साइंस है ही ऐसा सब्जेक्ट. हो सकता है आपको इसकी कोई केमिस्ट्री पता हो, जय जो कह रहा हो वो ठीक हो, मुझे तो पता नहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या लोच है, लेकिन मैं फिजिक्स बताने जा रहा हूं. वो ये देखिए बेटा, जब ये NaCl था, यू ये NaCl, तो Na और Cl के बीच में मीडियम कौन है? एयर. और अब Na और Cl के बीच में मीडियम कौन है? पानी. इस समय कॉपर और सल्फेट के बीच में मीडियम कौन है? एयर. अब कॉपर और सल्फेट के बीच में मीडियम कौन है? वॉटर. तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगी वो होगी F नॉट, जो करंट ताजा फिजिक्स पढ़ रही है. Cu प्लस और सल्फेट आयन के बीच की जो फोर्स है वो आप F नॉट लिखोगे, और इन दोनों के बीच में जो भी फोर्स होगी वो आप इसे Fm लिखोगे. लिखोगे या नहीं लिखोगे बोलो? ऐसा नहीं है कि फोर्स बिल्कुल खत्म हो गई. तलाक के बावजूद भी थोड़े से दिल के तार जुड़े रह जाते हैं ना, तो ऐसी बात नहीं है, थोड़ी सी फोर्स होगी, लेकिन आप इन फोर्स, इस आयन और इस आयन के बीच की फोर्स को आप Fm बोलोगे. तो चलिए, जब एयर थी कॉपर और सल्फेट के बीच में तो उस फोर्स को आपने एफ नॉट बोला, जब पानी आ गया कॉपर और सल्फेट के बीच में तो आपने Fm बोला. तो अब हम ये भी जानते हैं, आज ही मिले हैं समाचार हमें, मिट गया है बेटा वो समाचार. तो एफ नॉट अपॉन Fm क्या पढ़ा था हमने? के. अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले, एफ नॉट अपॉन Fm के. ये मीटिंग जाने वाली है तो ये तो पूरा कर देगी क्वेश्चन, जहां तक नहीं करेगी क्योंकि हमें से कई लोग पहले ही बैठ जाते हैं. मैंने ये बताया कि क्वेश्चन मेरा ये था कि पानी में ऐसा क्या हो जाता है कि वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं. ठीक, अब सुनो बेटा, जब कॉपर और सल्फेट के बीच में एयर थी तो हमने उस फोर्स का नाम एफ नॉट लिख दिया, और इन दोनों के बीच में जो भी फोर्स होगी उसे एफ एम बोलेंगे. और हम ये भी जानते हैं एफ नॉट अपॉन एफ एम के होता है. अब करंट सिनारियो में यदि मैं इस फॉर्मूले को यूज करूं, करंट सिनारियो में एफ नॉट एफ, अच्छा एफ डब्ल्यू लिख सकते हैं आप, एम उल्टा हो गया इसलिए क्योंकि वाटर आ गया मीडियम वाटर आ गया, तो उस मीडियम का नाम लिख सकते हो. और जब मैं यहां वाटर लिख रहा हूं तो वाटर का के आएगा, और वाटर का के कितना है? 81. मेरी बात समझ गए कि जब ये फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला इस करंट सिनारियो में यूज करोगे कि पानी आ चुका है तो यहां 81 लिखोगे. तो यहां से एफ डब्ल्यू, इससे अगला स्टेप एफ डब्ल्यू कितना आ गया बेटा? एफ नॉट अपॉन 81. अब आप इस फॉर्मूले पे विचार करिए थोड़ी देर, आप समझ जाओगे कि क्या हुआ. देखिए, जो साफ दिख रहा है कि वॉटर में जो फोर्स होगी बराबर होगी एयर की फोर्स से 81 टाइम्स डिवाइड हो जाएगी, यानी कमजोर हो जाएगी. डिवाइड होकर कमजोर हो जाता है ना आंसर. यानी यहां पर जो भी इन दोनों के बीच में आयनिक फोर्स होगी, जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, जिसे केमिस्ट्री में आप आयनिक बॉन्ड बोलते हो, फिजिक्स में उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, कूलंबियन फोर्स बोलते हैं. तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगी पानी की वजह से, वो फोर्स 81 टाइम्स वीक हो जाएगी. आ रहा है ना समझ में? 81 टाइम्स. और जिनको मैथ ही समझ में आती है तो एक रफली एग्जाम्पल ले लो, एक रफ एग्जाम्पल. लेट F नॉट 81 न्यूटन है, मैं वैल्यू भी जानबूझ के ऐसे चुनता हूं, F नॉट 81 है, तो बताना ऊपर वाले फॉर्मूले के हिसाब से फिर फोर्स इन वॉटर कितनी आएगी? वो 1 आएगी. तो आप अंतर देख लो कि यदि किसी के पास सपोज करो 1 रुपए है और किसी के पास 81 रुपए है, 81 टाइम्स हो गया, 81 टाइम्स. तो अब सुनिए, आपको इतना तो समझ में आ गया कि जो भी फोर्स होगी यहां आके इन दोनों के बीच की फोर्स 81 टाइम्स वीक हो जाएगी, और ये फोर्स फिर इस लायक नहीं रहती कि इन दोनों आयनों को एक दूसरे से होल्ड कर पाए. अच्छा, आपने देखा है एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होती है तो उसमें आयरन कच्च से चिपक जाता है, उसे छुड़ाना भी मुश्किल हो जाता है. लेकिन यदि एक वीक मैग्नेट हो, या सुनो, वीक मैग्नेट ना होके सपोज करो एक मैग्नेट मैंने ऊपर रख दी, सपोज करो ये मैग्नेट अभी, अब यहां पे कॉइन ले रहा हूं, तो यहां आपका कॉइन पे जो फोर्स देखी है आपने कैसी लगती है? काफी वीक हो जाती है ना. हो सकता है कॉइन आपको हाथ में पकड़ के तो फील दे रहा हो नीचे जो कॉइन कि हाथ चिपक सा रहा है, लेकिन जब आप हाथ हटाते हो
तो कॉइन गिर रहा हो। ऐसा किया ही नहीं, हुआ है या नहीं? सबने किया होगा। और यदि मैं ये किताब हटा दू, कच कॉइन चिपक गया। अब आप हाथ हटा रहे हो तब भी कॉइन चिपका हुआ है। समझ में आ गया? जैसे ये है, इसमें से मैंने हाथ हटा दिया तो भी ये चिपका हुआ है ना स्केल, है नहीं? Anyone can crack this trick? ये देखो, ये ऐसे है, यदि मैं हाथ छोड़ दूंगा तो ये नीचे गिर जाएगा, गिर रहा है। लेकिन यदि मैं इसमें कस के वैक्यूम बना दू, ठीक है? अच्छा, कितने लोग झांसे में आ गए? ये कोई टिकटॉक वीडियो नहीं है जो वो चल रहा हो कि कुछ ट्रिक लगा दियो सामने। अच्छा, आकाश राणा को पता है। संभव नहीं आया, संभव को नहीं आया। अच्छा, हाँ, दूसरे हाथ की हेल्प ले रहा हूं मैं, वैक्यूम करा रहा हूँ। संभव को पता है। अच्छा, पता है संभव को। अच्छा, कितनों को नहीं पता? अरे एक तो बोल दो नहीं पता है। नहीं, एक तो बोल दो नहीं पता। चलो, सबको ही पता है। चलो, अच्छा, रोहताश को नहीं पता। चलो, एक तो ग्राहक आया मेरा। अब एक ग्राहक है, उसे तो बता दो, नहीं तो बता ही नहीं जाता। देख रोहताश, देख ये ना, देखो अब तो सबको पता चल गया ना। धोखा ये, अब तो समझ में आ गया। तो ये कैसे चिपका रखा था? ठीक, ये बदतमीजी समझ में आ गई ना? ठीक, धोखा। ओके, चलिए। तो मैं आपको ये बता रहा था कि यदि ये मैग्नेट इस पॉइंट को स्ट्रॉन्गली चिपका रही है, लेकिन यदि मैं बीच में एक मोटी सी किताब ले आऊं और फिर कॉइन चिपकाने की कोशिश करूं, तो वो फोर्स वीक हो जाती है ना। तो ऐसा ही पानी के आने से ये हुआ। पानी आने पर फोर्स 81 टाइम्स कमजोर हो गई, तो फिर वो आयंस होल्ड नहीं कर पा रहे। मैग्नेट कॉइन को नहीं होल्ड कर पा रही, ये आयन आपस में होल्ड नहीं कर पा रहे, दूर दूर हो गए। चलो, अब छोटे छोटे क्वेश्चनों पर हाथ साफ करते हैं। होप कि आपको ये भी आंसर समझ में आ गया। इसीलिए मैं कह रहा था पानी का भी हाथ कर लोगे तो ठीक है, आप 80 ले लेना चाहे 81 ले लेना, दोनों ही वैल्यू ठीक है। हाँ, लेकिन यदि पेपर में ही कोई वैल्यू दे रखी है तो आप फिर वही वैल्यू लेना। पेपर में जो दे रखी हो वो लेंगे। पेपर में 80 दे रखी हो 80 लेना, 81 दे रखी हो 81। मैंने तो एनसीईआरटी खोल ली और पेज नंबर 46 भी खोल दिया। पेज 46, इसका पहला क्वेश्चन बिल्कुल लल्लू राम क्वेश्चन है बेटा, लल्लू क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन, हाँ एक्चुअली 80 सही रहेगा, लेकिन 81 मोस्टली बुक, मैंने अपने एक्सपीरियंस से बताया, मोस्ट ऑफ द बुक में 81 मिलेगा, मोस्टली टाइम 81 ही आएगा, कभी कभार 80 दे देते। क्वेश्चन नंबर 1.1 कह रहा है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर हैविंग चार्ज दिस एंड दिस, प्लेस दिस अपार्ट। तो देखिए, इससे सस्ता क्वेश्चन 12th के बच्चों के लिए, जिसमें 12th से 11th बच्चों के लिए पता है कौन से न्यूमेरिकल आसान होते हैं, जिसमें सीधे वैल्यू रखो और आंसर निकालो। दो चार्ज दे रखे हैं, एक दे रखा है 2 × 10⁻⁷ कूलम, और एक दे रखा है कितना, 3 × 10⁻⁷ कूलम, और उनके बीच की जो डिस्टेंस है, उनके बीच की डिस्टेंस रखिए 30 सेंटीमीटर। ओके, तो ये पूछा है इनके बीच की फोर्स क्या होगी, वो तो आप कर लोगे। देखो, लेकिन फिर भी मैं एक बार पूरा कराता हूं। देखिए, इस सवाल को एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार पढ़ोगे तो एक बार आएगा, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर। स्मॉल चार्ज स्फीयर, स्मॉल वर्ड यूज क्यों किया है? ताकि आप अपना कूलम्स लॉ बेहिचक लगा सको। आया समझ में? क्योंकि कूलम्स लॉ पॉइंट साइज बॉडीज के लिए, पॉइंट ना बोला है, स्मॉल तो बोल ही दिया उसने। और मैंने क्या बोला, जितनी चीजें छोटी होती चली जाएंगी फॉर्मूला उतना एक्यूरेट होता चला जाएगा। अब इनके बीच का एफ इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। अब गौर से पढ़ो, मीडियम भी दे रखा है, एयर क्या दे रखा है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्जेस हैविंग चार्ज दिस इन एयर। और आपको एक ऑफर और दे रहा हूं, छूट दे रहा हूं, मेरा नहीं है ये पहले से। यदि किसी सवाल में मीडियम नहीं दे रखा हो तो आपको राजा लेने की छूट मिलेगी, वही पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आप फिर एयर ले सकते हो। इसमें तो दिया है, और दिया भी है तो वो भी दिया ही एयर है। ये कितना होगा, 9 × अब ध्यान रखना, ये वाला के डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है,
ये वाला के डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट नहीं है, मैंने बोला है मैं आपके दिल के दर्द को समझ सकता हूं, थोड़ा कंफ्यूजन होना लाजमी, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। Q1 की वैल्यू 2 × 10⁻¹⁷, Q2 की वैल्यू 3 × 10⁻¹⁷ अपॉन आर स्क्वायर। ये जो 30 सेंटीमीटर है इसको हैंड टू हैंड 3 × 10⁻¹⁰ लिख दिया मैंने। सेंटीमीटर से मीटर जाने के लिए 100 से डिवाइड मारते हैं, तो 100 का डिवाइड मार दिया मैंने, तो आर का स्क्वायर है, तो बेटा इसका स्क्वायर करू 9 × 10⁻²। तो कट रहा है बेटा ये फिगर, तो कट ही गया आसानी से, 2 × 3 = 6, तो ये इधर 11 हो गया, 11 कर लोगे 14 × 10⁻³। ये बस बात नहीं बेटा, ठीक। यहाँ पे नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है ना, दूसरा क्वेश्चन और नहीं, दूसरा बाद में, दूसरा अपने आप करना, मैं कल कराऊंगा, लेकिन तीसरा करा देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे, एक साथ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1.3। वो कह रहा है चेक दैट द रेशियो दिस अपॉन दिस इज डायमेंशनलेस। एक रेशियो दे रखा है के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी, ये रेशियो दे रखा है, और उसने बोला है साबित करो कि ये रेशियो डायमेंशनलेस है। फिर इसका आगे का सवाल बाद में बताऊंगा, पहले इतना साबित करते हैं, साबित करो ये डायमेंशनलेस है। अब इसको डायमेंशनलेस साबित करने के लिए दो तरीके हैं। एक तरीका जैसे मैंने सबकी डायमेंशन बताई हुई है, इसकी रख दीजिए, इसकी रख दीजिए, इसकी रख दीजिए, इसकी इसकी, तो जब आप रखोगे तो एम जीरो एल जीरो टी जीरो आ जाएगा। आप में से कोई बताएगा ई की डायमेंशन क्या होगी? ई की डायमेंशन क्या होगी? आप टाइप करके बताइए, मैं यहां से भी पूछ रहा हूं, आप भी बताइए। देख ई इज इक्वल टू चार्ज, ई चार्ज होता है बेटा, जय नहीं, ई चार्ज होता है ना, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन प्रोटॉन जो भी है, और चार्ज की डायमेंशन ए इंटू टी होती है। मुझे पता था आप अटकोगे इसलिए मैंने पूछा। आप नहीं बेटा, हर साल पता नहीं क्या गोली खा के आते, कोई नहीं बता पाता। ई की यूनिट डायमेंशन समझ गए, ए इंटू टी होती है। जी की 11 में पड़ी थी, ये एम ई एम पी मास है, ठीक। ओके, ये वाला के इसकी यूनिट डायमेंशन भी निकलवा चुका हूं, तो कॉपी पेस्ट कर दोगे डायमेंशन लेस आ जाएगा। लेकिन एक स्मार्ट तरीका बताता हूं, थोड़ा सा जब आप मेरी तरह सीआईडी खेलोगे तो आपको ये तो पता चल गया कि साला एम ई है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक्शन में, एम पी है मास ऑफ प्रोटॉन तो प्रोटॉन एक्शन में। तो मुझे बताइए यदि ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन है। अच्छा मैं आपको फंसाऊं एक और चीज में फंसाता हूं। ये रहा प्रोटॉन और ये रहा प्रोटॉन। मेरे क्वेश्चन मेरे शब्दों को ठीक से सुन लेना, पहले बताओ ये रहा प्रोटॉन, ये रहा प्रोटॉन, फटाफट बताओ इन प्रोटॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्सन अट्रैक्शन, जल्दी बताओ। अब मैं सीधा सीधा क्वेश्चन भी पूछूंगा ना तो आप घबरा घबरा के आंसर दोगे। प्रोटॉन इनके बीच में फोर्स का नेचर कैसा होगा, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव? आपकी स्माइल से डर गए, ओ यार इतनी खतरनाक है, अबे मैं क्या ऐसे स्माइल दे रहा हूं मैं, यानी क्या मैं वो सफेद कपड़े पहन के। चलिए आपको अब देखिए, अब मैं इसको क्लियर कर देता हूं, आपकी गलती नहीं है, मैं जब उस जगह था बैठा था तो एक नॉर्मल बच्चा यही गलती करता है, क्योंकि करंट सीन क्या चल रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चल रहा है, तो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बोला कि इनमें रिपल्सन है, जबकि मैंने ये नहीं पूछा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नेचर कैसा होगा, मैंने ये पूछा सिंपली फोर्स कैसी होगी। अब आप बताइए इलेक्ट्रोस्टैटिक के चश्मे से देखोगे तो इनमें रिपल्सन हो रहा है, लेकिन यदि मैं आपको ग्रेविटेशन का चश्मा पहना दूं तो सोचो, यदि मैं आपको चश्मा ही ग्रेविटेशन वाला पहना दूं कि नहीं हम 11th में पढ़ रहे हैं, ग्रेविटेशन वाली यूनिट पढ़ रहे हैं, इस पर भी मास है, इस पर भी मास है, क्या कहा अट्रैक्टिव? लो एकदम से हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, बिल्कुल एकदम से जज्बात बदल जाने चाहिए। मैंने आपको यह पूछा था क्या कि इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नेचर कैसा होगा? नहीं, मैंने सिंपली यही पूछा कि फोर्स कैसी होगी। तो जब इनके बीच में फोर्स, टोटल फोर्स, नेट फोर्स की बात करोगे तो इनमें रिपल्सन भी है और अट्रैक्शन भी है,
लेकिन क्योंकि ये आपकी गलती नहीं है, रिदम इलेक्ट्रोस्टैटिक का चल रहा है तो हम छूटती आंसर देंगे ना रिपल्सन। जैसे एक पजल मैंने पूछी थी, फटाफट आपसे पूछता हूं, एक्ट करना और झूठ मत बोलना, जो हो वो बताना। यदि आपको गूंगे की एक्टिंग करनी है, गूंगे की एक्टिंग करनी है और कैंची मांगनी है तो कैसे मांगोगे? जल्दी बताओ, आप बताओ, मैं आपको तो नहीं देख सकता, गूंगे बने हो, जल्दी से बताओ, है ना? गूंगे की एक्टिंग करनी है तो कुछ इस टाइप का रिस्पॉन्स करोगे। चलो इसमें तो आप लेट हो गए, फटाफट जवाब देना, ठीक है? आपको कैंची मांगनी है तो ऐसी तो मांगोगे, ठीक है? आप इशारा करके फटाफट बताओ। अब आप अंधे बने और कंघी मांगनी है, कैसे मांगोगे? जल्दी बताओ। अब देखो कंफ्यूज हो गए ना, अब आप बोल सकते हो। अब क्यों करोगे तुम ऐसे? देखो सर पे हाथ रख के फंस गए। तो पहला जो पोर्शन था वो फंसाने के लिए ही था, अब की बार आप अंधे बने हो, लेकिन पहले गूंगे वाले चीज दिमाग से नहीं गई, जो गूंगे वाली चीज थी वो दिमाग से नहीं गई, ऐसे कैची मांगेंगे, अब भी ऐसी मांगेंगे, है ना? अब आप अंधे बने हो तो बोल सकते हो ना, तो वही चीज हुआ आपके साथ। ये नॉर्मल है, ये सब करते हैं, हमसे भी गलती होती है ये फटाफट। ठीक, एक और फटाफट पूछू, एक और पूछता हूँ इसके, हाँ एक और फटाफट पूछता हूँ, यानी जल्दी जवाब चाहिए मुझे, जल्दी जवाब चाहिए। एक बार एक आदमी टीटी ट्रेन में चढ़ गया, टीटी ट्रेन में टिकट चेक करने के लिए, सबसे उसमें कई सारी एक्ट्रेसेस थी, उसमें सबसे पहले उसने काजोल को देखा, ठीक है? काजोल को देखा, उसके पास टिकट नहीं थी, फिर उसने कहा भाई फाइन लगेगा, फाइन लगेगा, हाँ भाई। तो उसने काजोल की तरफ देखा तो उसने पूरा बकायदा चूड़ीदार पजामा सलवार सूट चुन्नी वुन्नी सब डाल रखी थी, तो उसने उस पर 1000 रुपए का फाइन लगा दिया। ठीक, अभिषेक उस बैच में था इसलिए उसे पता है, ठीक है? फिर आगे बढ़ा तो आगे दिशा पटानी मिली, उसने शॉर्ट्स वॉर्ट्स पहन रखे थे, तो टीटी ने उस पर 500 रुपए का फाइन लगा दिया, ठीक है? छोटे कपड़े पहन रखे थे। तो अब मेरा क्वेश्चन है, आगे गया तो वहां सनी लियोनी मिली थी, उसने उस पर चार्ज नहीं लगाया, बताओ क्यों? जल्दी से टाइप करके बताओ। क्योंकि उसके पास टिकट थी, लेकिन आपको पता है फ्लो में क्या आंसर देने वाले थे कुछ लोग। चलिए कोई नहीं, लेकिन वो फ्लो ही ऐसे, तो पहले जो दो क्वेश्चन थे वो आपका माइंड हिप्नोटाइज करने के लिए पूछे गए थे। एक लास्ट और पूछ लू, जल्दी से बताना, 10, 20, 30, 40, 50, बताओ 50 के बाद क्या आता है? 50 के बाद क्या आता है? चलो बता दिया ये, अब नहीं फंसे, 50 के बाद 51 आता है। चलिए तो वही चीज, तो अब मुझे बताओ, बस मुद्दे पर आते हैं। हाँ, ये प्रोटॉन, ये प्रोटॉन, तो बताइए अब सीरियसली आ जाते हैं मुद्दे पर। हाँ सीरियसली मुद्दे पर आ जाते हैं, तो इनके बीच में क्या निकला? आप बोलोगे दोनों चीजें हैं, यानी दोनों चीज इनमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक के चश्मे से देखेंगे तो रिपल्सन है, चार्जेस, यानी आपके दिमाग में चार्जेस चल रहा होगा, कूलम रिपल्सन। और यदि क्या है वो, ग्रेविटेशन के चश्मे से देखेंगे तो इनमें ग्रेविटेशन अट्रैक्शन भी मौजूद है ना? तो कायदा ये कहता है कि जैसे मैं इस प्रोटॉन का सिस्टम मानूं तो इस पर रिपल्सन भी है, एफ ई माने इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन, और इसकी वजह से इस पर एक ग्रेविटेशन अट्रैक्शन भी है, एफ जी। समझ गए? इनमें से ये वाला एरो किसका है? इलेक्ट्रोस्टैटिक का, और ये वाला एरो किसका है? ग्रेविटेशन का। मतलब इस प्रोटॉन ने इसको ऐसे धक्का दिया और इस प्रोटॉन ने इसको ऐसे प्यार भी किया, धक्का दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक के कारण और प्यार किया। ठीक, अब आगे बढ़ाता हूं, अब ये जो क्वेश्चन है ना ये आपको इसी कॉन्सेप्ट को बताएगा। अच्छा, फिर इस पे नेट फोर्स निकालनी हो तो क्या करोगे? रिजल्टेंट। इस पे नेट फोर्स निकालनी हो तो क्या करोगे आप? रिजल्टेंट। नहीं बेटा, वीडियो ठीक आ रही है मेरे पास, यहाँ ठीक आ रही है, क्योंकि मैं यहाँ रिकॉर्ड करता हूँ और वो नेटवर्क से रिकॉर्ड हो रही है, ये नहीं डायरेक्ट हो रही है, तो नेटवर्क ही आते हैं, ठीक आ रही है यहाँ पे। तो अब सुनिए, सुनिए अब, तो अब यदि आप इस पे नेट फोर्स निकालोगे तो आपको यहाँ रिजल्टेंट फोर्स निकालनी पड़ेगी, लेकिन ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ खुशखबरी लेके आने वाला है। तो देखिए, इमेजिन करो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन और इनके बीच की डिस्टेंस आर है ना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो बताइए इनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स होगी? होगी। एफ ई कितनी होगी? ये कूलाम्स लॉ लगाने जा रहा हूं, कूलाम्स लॉ शुरू कर रहा हूं मैं, के क्यू वन का मैग्नीट्यूड, बताइए क्या मैग्नीट्यूड होता है? ई। क्यू टू का मैग्नीट्यूड, इस पर भी ई होता है।
भले ही प्लस और माइनस का अंतर है, लेकिन ये मॉड ये जो लगा रहता है ये साइन तो आने नहीं देता ना, अपॉन आर स्क्वायर। समझ में आया यहां तक कि इनके बीच की जो फोर्स होगी के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, और इनके बीच की ग्रेविटेशन फोर्स भी तो होगी ग्रेविटेशन जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। तो जी एम वन कौन है, एम ई, एम टू कौन है, एम पी, और अपॉन आर स्क्वायर। इनको डिवाइड कर दो, डिवाइड कर रहा हूं मैं बेटा यहां, यानी एफ ई को एफ जी से डिवाइड कर रहा हूं, एफ ई को एफ जी से डिवाइड कर रहा हूं। जैसे ही मैं एफ ई और एफ जी को डिवाइड करूंगा तो कुछ नहीं कर रहा, आर स्क्वायर तो कट ही रहे ना, तो क्या हो गया के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी। ये वही रेशियो है कि नहीं जो पूछा था, उसने पूछा था इसकी डायमेंशन क्या थी, हमने अपनी बुद्धि लगा के इसको इससे डिवाइड कर दिया तो ये रेशियो बन गया। अब बताओ ये डायमेंशनलेस है या नहीं, LHS है, क्योंकि ये भी फोर्स है ये भी फोर्स है, तो क्या हुआ वो इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशन है, होंगी तो दोनों न्यूटन। तो बताओ समझ में आ गया, ये डायमेंशनलेस है, ये डायमेंशनलेस है, तो ये भी डायमेंशनलेस होगा, डन। तो पहला क्वेश्चन तो यही समाप्त हो गया कि ये डायमेंशनलेस रिश्यू है। दूसरी चीज, अब मैंने क्वेश्चन आगे पढ़ा नहीं था, पढ़ रहा हूं, उसने बोला है लुक अप अ टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट, कि आप एक टेबल देखिए जहां फिजिकल कांस्टेंट, जैसे ये 11th की है, इसमें शायद होगा 11th की एनसीईआरटी है, इसमें एक टेबल दे रखी है जहां फिजिक्स के कांस्टेंट लिखे रहते हैं, यहां लिखे रहते हैं, देखो अपेंडिक्स ये कि स्पीड ऑफ लाइट फलाना ठिकाना ये। तो उसने कहा है कि लुक अप अ टेबल, कोई आप टेबल देख सकते हो और डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। अब टेबल देख के आप इनकी वैल्यू निकालिए, मतलब वो ये कह रहा है आपको फ्री दे रहा है कि टेबल में से के की वैल्यू ई की वैल्यू ये, पर हमें बेटा टेबल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पड़ेगी तो कैलकुलेटर की जरूरत पड़ सकती है। बस देखिए के की वैल्यू मैं बताई चुका हूं कितनी होती है, 9 × 10⁻¹⁹ ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मैग्नीट्यूड -19 उस पर स्क्वायर है, अपॉन जी 11 में पढ़ के आयो 6.67 × 10⁻¹⁹ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻³¹ और मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 × 10⁻²⁷। लो जरूरत ही नहीं पड़ी, हाँ इसे सॉल्व करने के लिए कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। तो बेटा जब आप इसे सॉल्व करोगे तो मेरी मान लेना बेटा, जब ये सॉल्व करोगे तो जो लगभग लुट पिट के कॉन्सेप्ट आएगा 10⁻³⁹ आएगा। मैंने यहां ये लिखा है ना नियरली लिखा है, मतलब कुछ वैल्यू आएगी, मैंने सिर्फ ऑर्डर लिखा है, ऑर्डर का मतलब पावर लिख दिया बस, जो आपको मैं समझाना था, बाकी तो एक्यूरेट आप कैलकुलेट करना वो आपका काम है। अब आप समझिए इसको कि ये सवाल आपके लिए क्या खुशखबरी लेके आया है, ये क्या खुशखबरी लेके आया है, ये खुशखबरी ये लेके आया है कि एफ ई और एफ जी का जो रेशियो है वो 1, 2, 3, 4 नहीं 10⁻³⁹ है। यानी इलेक्ट्रिक फोर्स, इसको इधर ले जाता हूं, ग्रेविटेशनल फोर्स से दुगना 3 × 4 नहीं 10⁻³⁹ हैवी होती है फोर्सेस। यानी समझे, यदि इलेक्ट्रिक फोर्स 1 न्यूटन है, सोच के देखो, यदि इलेक्ट्रिक फोर्स 1 न्यूटन है तो ग्रेविटेशनल फोर्स 0.00000000 और फिर 1। इसका मतलब इतने बड़ा डिफरेंस है इनमें कि अब सुनिए, जब हमें ये पता चल गया कि ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही वीक फोर्स है इलेक्ट्रिक के सामने, तो मैंने अभी एक सवाल पूछा था ना कि प्रोटॉन ने प्रोटॉन को रिपेल किया इलेक्ट्रिक के वजह से, प्रोटॉन ने प्रोटॉन को अट्रैक्ट किया ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। सच्चाई ये है, ये एरो इतना बड़ा बनने लायक था ही नहीं, चिन्ना सा बनेगा बस। समझ गए चिन्ना सा, क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स की कोई औकात ही नहीं निकली इलेक्ट्रिक के सामने। तो आज के बाद जब भी ये सवाल होगा जिसमें एफ ई भी मौजूद हो और एफ जी भी मौजूद हो, तो आप एफ जी को नेगलेक्ट कर देना, इग्नोर। ये खुशखबरी है कि आपको सही मायने में, क्योंकि बेटा एफ जी हर जगह टर्म अड़ाएगी, अड़ाएगी नहीं अड़ाएगी, क्योंकि चार्ज विदाउट मास होता ही नहीं है,
मास तो आपको हर जगह झेलना पड़ेगा, लेकिन थैंक गॉड इस कॉन्सेप्ट ने, इस सवाल ने आपको यह बताया है कि एफ जी को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ना। बोलो पल्ले पड़ा है या नहीं पड़ा, सवाल की भावना है। इस सवाल का जो मेजर कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया या नहीं आया, जल्दी बोलो। ओके ठीक है, शीट भेजूंगा मैं आज, वो शीट का पहला सवाल करना, जो हो जाए वो करना, पहले दूसरे तीसरे, ठीक है। अब सुनो, इसकी वेक्टर फॉर्म है जो मैं कल सुबह पढ़ाऊंगा, उसके लिए बस आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि घर पे यूनिट वेक्टर पढ़ के आइएगा। हालांकि मैं पढ़ाऊंगा कल, लेकिन यूनिट वेक्टर आप थोड़ा सा आप खुद भी पढ़ के आओगे ना, खुद भी। मैंने क्या बोला था कि मैं ये मान के ही नहीं पढ़ाऊंगा, आपसे नहीं बोला, लेकिन अब बता देता हूं। ठीक, 2 बजे का परमानेंट है बेटा, हाँ ये टाइम 2 बजे का परमानेंट है बेटा। हाँ तो सुनिए, मैं ये मान के ही नहीं पढ़ाऊंगा कि आप 11 में कुछ पढ़ के आए हो। जब भी कोई 11 की चीज यूज होगी मैं उसको रिवाइज करा दूंगा, तो पैनिक मत करना। तो थोड़ा सा यूनिट वेक्टर यदि आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा, थोड़ा सा कुछ तो कोशिश करके आना, क्योंकि कल मैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ पढ़ाऊंगा। अब कूलम्स लॉ के कुछ छोटे छोटे बेसिक बता के आज की क्लास खत्म करता हूं, कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ फटाफट प्रॉपर्टीज बता के, प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्स लॉ, ये आपको नोट्स में मिलेंगी, ये मिलेंगी आपको वो वेक्टर फॉर्म के बाद, क्योंकि अब मेरे पास इतनी ताकत नहीं बच रही कि मैं वेक्टर फॉर्म डिटेल में बताऊं अब। तो इसलिए प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्स लॉ बता के कहानी खत्म कर रहा हूं। सबसे पहली चीज, सबसे पहली प्रॉपर्टी कि इट इज सेंट्रल फोर्स, और पेपर में आता नहीं है लेकिन मैं बता देता हूं, इट इज सेंट्रल फोर्स। ये सेंट्रल फोर्स क्या है, लिख तो दिया मैंने, कहूंगा तो याद भी कर लोगे आप, लेकिन समझ में तो नहीं आएगा सेंट्रल फोर्स क्या है। सेंट्रल फोर्स भी होमोजेनिटी की तरह आप जानते हो, बस नाम आ गया है। बताना ये कोई चार्ज है और ये कोई चार्ज है, दोनों सपोज करो पॉजिटिव चार्ज है, गलती बताना जो मैं बोल रहा हूं, ये इसको रिपेल करेगा, गलती बताओ, ये इसको रिपेल करेगा, कोई गलती नजर आ रही है, एरो, हाँ गलती है एरो में, बिल्कुल ठीक। तो बिल्कुल ठीक, आपको ये गलती पता चल गई ना, तो इसका मतलब आप जानते हो सेंट्रल फोर्स क्या है। जी हाँ, जिस वजह से आपने कहा है कि एरो गलत है उसी का नाम है सेंट्रल फोर्स, क्योंकि आप जानते हो एरो ऐसा बनेगा, क्योंकि ये वाला नहीं, ये अब सही है, अब तो सही है बेटा। लो मैं और सही कर देता हूं, एक्यूरेट कर देता हूं, कैसे पता चलेगा कि थोड़ा ऊपर नीचे नहीं है ना। तो कहानी ये है सेंट्रल फोर्स की कि ये वो फोर्स है कि पहले चार्जों की लाइन मिलाइए, मिला दी चार्जों की लाइन, अब उसी लाइन को आगे बढ़ा दीजिए, उसी लाइन को आगे बढ़ा दीजिए, इसको बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। मान लो ये दो चार्ज ऐसे है, ये रहा प्लस ये रहा माइनस, इनको मिला लीजिए, मिला लिया, अब अट्रैक्शन होगा हारा तेरा तिरछा नहीं, एग्जैक्टली इसी लाइन के अलोंग। तो बेटा इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं सेंट्रल फोर्स, कि इट इज अ फोर्स विच ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस। पहले चार्जेस की लाइन ज्वाइन करिए, अब रिपल्सन है तो भी उसी लाइन के अलोंग एरो बनाना है, और अट्रैक्शन है तो भी उसी लाइन के अलोंग ही बनाना है। आगे समझ में, ये सेंट्रल फोर्स आरा तेरा तिरछा नहीं बनाना, ये नहीं बनाना, क्योंकि इस लाइन के फ्लो में नहीं आ रहा ये वाला एरो। अट्रैक्शन इसमें ऐसे नहीं बनाना, क्योंकि इस लाइन के फ्लो में नहीं आ रहा वो, सेंट्रल फोर्स। दूसरा, इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है, बिल्कुल करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है। और सुन लीजिए एक और मैं महत्वपूर्ण बात बताता हूं, हर वो फोर्स जो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है, जो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है वो कंजर्वेटिव तो होती होती है। अब ये भी 11 से आया हुआ वर्ड है, फोर्स को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था 11 में, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव। अभी आप कंजर्वेटिव याद कर लीजिए, वक्त आने पे मैं बता दूंगा। क्या क्या तीन बातें बता दी, कि ये सेंट्रल फोर्स है, कौन, कूलम्बियन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रल फोर्स है। दूसरी, इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है। तीसरी, कंजर्वेटिव फोर्स है। और चौथ नहीं, और नहीं मतलब दो और है, तीसरी, ये तीसरी बात थी एक्चुअली, चौथी बात, इनके भी दो चार्जों के बीच में
दो चार्जों के बीच में, जैसे एक क्यू वन है और एक क्यू टू है, इनके बीच में सपोज करो 20 न्यूटन फोर्स है आपस में, कितनी 20। तो यदि तीसरा चार्ज कहीं आ जाता है साइड में इधर इधर, तो इनकी तीसरी, ठीक है भाई, ये दो चार्ज है, दो चार्जों की वजह से इनमें मान लो 20 न्यूटन का अट्रैक्शन, ठीक है, आपने कूलम्स लॉ का फॉर्मूला लगा दिया, ये वाला फॉर्मूला के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, ध्यान नहीं है, और 20 न्यूटन आया। तो बेटा इन लोगों की मोहब्बत ना राम सीता की जोड़ी होती है, यदि यहां आपस में कोई सुपर खा आ गई, मतलब क्यू थ्री आ भी जाए, सुन लीजिए क्यू थ्री आ भी जाए, लेकिन इसमें थोड़ा मिक्सअप भी है बेटा, बताऊंगा वो भी, क्यू थ्री आ जाए तो आपस की मोहब्बत में कोई चेंज नहीं आएगा। यदि क्यू थ्री आ जाए, इनकी रेंज में आ जाए, तो क्यू थ्री के आने से क्यू वन क्यू टू के बीच में जो फोर्स होगी वो अनअफेक्टेड रहेगी, यानी कूलंबियन फोर्स बिटवीन टू चार्ज रिमेन्स अनअफेक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ थर्ड चार्ज। बोलो पल्ले पड़ा, तीसरे चार्ज होने से उनकी आपस की मोहब्बत नहीं चेंज होगी, ठीक। और लास्ट वो तो मैंने लगभग बता ही दिया, वो ये कि यदि मैं प्रोटॉन प्रोटॉन लू, प्रोटॉन और प्रोटॉन, यानी एक प्रोटॉन ले रहा और एक प्रोटॉन हो रहा, ठीक है, तो उस प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स भी होगी, बताओ प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स भी होगी, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होगी, अभी अभी बताया प्रोटॉन प्रोटॉन में ग्रेविटेशन फोर्स भी होगी इलेक्ट्रिक, और यदि ये प्रोटॉन दोनों न्यूक्लियस के अंदर है तो इनके बीच में न्यूक्लियस फोर्स भी होगी, मानना तो पड़ेगा, मतलब यदि प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है तो उस प्रोटॉन प्रोटॉन पे ग्रेविटेशन फोर्स भी होगी, इलेक्ट्रिक भी होगी, न्यूक्लियस भी होगी, न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। तो यदि मैं इनको रेशियो में कन्वर्ट करूं, तो यदि ग्रेविटेशनल फोर्स 1 यूनिट की लग रही है इनमें, तो इलेक्ट्रिक फोर्स 10^36 होगी यहां। अब आप कहोगे 39 था यहां तो, पर यहां पर रेशियो था 39, वो इसलिए था ये जो 39 था एक इलेक्ट्रॉन था और एक प्रोटॉन था बेटा, यहां यहां जो 39 आया था वो इसलिए आया था क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, मैंने यहां प्रोटॉन प्रोटॉन लिया है, ठीक है। तो यदि लेकिन फिर भी है तो तगड़ी, यदि ग्रेविटेशनल फोर्स 1 है तो इलेक्ट्रिक फोर्स 10^36 टाइम्स होती है, और न्यूक्लियर फोर्स इससे भी 100 गुना, इसका भी बाप होती है 10^38 होती है, 38। हाँ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में भी ग्रेविटेशन फोर्स होगा, पर मैंने बता दिया ना उसे कंसीडर नहीं करना। तो ये कूलम्स लॉ की साइडवेज प्रॉपर्टीज है, पेपर में नहीं आएंगी लिखने को, लेकिन आप इनको पढ़ लीजिएगा, ठीक है।